गरीब को न्याय देने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है अधिवक्ता। जब अपनों से आकाश और निराश हो जाता है तो वह एक अधिवक्ता के पास जाता है। अधिवक्ता के पास जाकर के घर से इस विश्वास के साथ निकलता है कि मैं जाऊंगा, अधिवक्ता मुझे न्याय दिला देगा। लेकिन जिन स्थितियों में अधिवक्ता को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है वे स्थितियां अत्यंत विषम होती है। उन स्थितियों में उसका विश्वास खंडित होता है और इसलिए सरकार ने इस बात को कहा है। तहसील एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, खासतौर पर राजस्व से जुड़े हुए मामलों के निस्तारण करने के लिए, जो वरासत का है, पैमाइश का है या अन्य तमाम एक गरीब से जुड़े हुए, एक सामान्य किसान से जुड़े हुए, एक सामान्य नागरिक से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए। और ये अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण सैजनवा तहसील में और बांसवा तहसील में एक साथ प्रारंभ करने की आज के इस कार्य योजना के अवसर पर मैं दोनों तहसील बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं। ये सभी लोग जनता को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। खासतौर पर वर्तमान में पैमाइश वरासत का एक विशेष अभियान चल रहा है, स्वामित्व योजना का लाभ हर एक नागरिक को उपलब्ध कराने और आने वाले समय में हम पैमाइश का भी एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं। इस सभी अभियानों का लाभ एक सामान्य नागरिक को प्राप्त हो सके, उसे भटकना न पड़े, इसके लिए आप सभी लोग अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास इन दोनों तहसीलों के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और यहां के अधिवक्ता बंधुओं को ये सब समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। सैजनवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष हम लोगों ने कस्बा संग्रामपुर यानी कुंडवल को टाउन एरिया बनाया था। आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ चल रहा है और अब घटसरा भी एक नई टाउन एरिया के रूप में, घटसरा भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगी। जैसे सैजनवा विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है, ऐसे ही घटसरा बाजार में भी होगा और धीरे धीरे के उन सभी जगहों को हम लोग लेने जा रहे हैं जो विकास से पिछड़ गए थे, वंचित रह गए थे। मानक जैसे पूरा करेंगे सरकार पैसा देकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सड़कों की स्थिति आप देख रहे होंगे, पहले से व्यापक सुधार हुआ है। अब यहां सैजनवा के लोगों को या खजनी के लोगों को या बांसगांव के लोगों को अगर सीधे उनको महाराजगंज या नेपाल की तरफ जाना है तो गोरखपुर नगर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, कालेसर से ही आप मुड़ करके सीधे फोर लेन का आनंद लीजिए, सीधे सैजनवा से बैठिए और वहां पहुंच जाइए। ये सुविधा इसलिए दी गई है जिससे समय की बचत हो, श्रम की बचत हो और डीजल पेट्रोल की भी बचत हो। हम एक एक क्षण की कीमत का उपयोग कर सके। इस सैजनवा से घक्सरा होते हुए जो कार जो मार्ग पखेरा के लिए गया है, इसका निर्माण और चौड़ीकरण इसीलिए किया गया जिससे लोगों के आवागमन को और सरल किया जा सके। आज एक इंटर कॉलेज का भी लोकार्पण हो रहा है, एक पॉलिटेक्निक के कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है, कुछ आईटीआई है उनके कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, ढेर सारी अन्य योजनाएं हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है और वह है एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, नौजवानों के हाथों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ना और हर एक नागरिक के लिए न्याय को सरल और भी सुलभ बनाने की दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठा सके, इसी के लिए सारे के सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन विकास के लिए एक सकारात्मक सोच चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम विकास तो चाहते हैं लेकिन विकास इस आधार पर चाहते हैं कि मेरे बगल मेरे पड़ोसी का तो उजड़े लेकिन मैंने जो अतिक्रमण किया है ये ना उजड़े।
ऐसे में विकास नहीं हो सकता। आज आप जाइए गोरखपुर में, सड़कें जो चौड़ी हो रही है, पहले सिंगल लेन की थी, दिन भर लोग जाम में फंसे रहते थे, आज उसको चार लेन का बनाया जा रहा है, अब कभी जाम लगेगा ही नहीं। आसानी से आप कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं, लाखों लोग सड़कों पर आएंगे तो भी सड़क जाम नहीं होगा। ये स्थिति है सरकार की सोच है। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इसीलिए जोड़ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस को बेलघाट से खजनी सिकरीगंज होते हुए, सिकरीगंज खजनी होते हुए और सीधे जैतपुर के पास लखनऊ गोरखपुर फोर लेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा। इसमें औद्योगिक इकाइयों का गठन भी फोर लेन के चारों ओर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये उद्योग लगेंगे, उद्योग लगने से रोजगार सृजन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौजवान पलायन नहीं करेगा। हम सब कोरोना को भी झेले हैं, आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी सावधानी की आवश्यकता है। ये एक्सप्रेस वे जो बन रहा है गोरखपुर के लिए, विकास के साथ आपको जोड़ने के लिए और आपके परिवार के नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी और रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। हम कभी कभी उद्योगों का विरोध करते हैं, कहते हैं उद्योग नहीं लगना चाहिए, फिर रोजगार कहां से आएगा, नौकरी कहां से आएगी। यही गलती कभी वेस्ट बंगाल में लोगों ने किया था, आज वहां पे क्या है, बड़ी खराब स्थिति है। और जहां भी लोग इस नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए सकारात्मक सोच, क्योंकि मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि मुझे समाज के लिए सोचना है, प्रदेश के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। और जब ये सोच हम सबके मन में आ जाएगी तो सोच विकास और तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। हर एक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई देगा। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए सरकारें, यही प्रदेश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, अपना विकास कराती थी, प्रदेश का नहीं। जो विकास सहजनुमा में हो रहा है वही खजनी में भी हो रहा है, वही गोरखपुर में, वही पिपराइच में, वही कैंपियरगंज में, वही पांच गांव में, हर जगह वही विकास हो रहा है, उसी तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन अब विकास दिखाई देता है, पहले विकास दिखाई नहीं देता था क्योंकि विकास का पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था और चंद लोग अपने घर को बनाते थे, गरीब को बोलते थे कि प्राइमरी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ें, वहां शिक्षक नहीं देते थे, विद्यालय भवन जर्जर रहता था, वहां पे हमेशा खतरा बना रहता था और अपने बच्चों को कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता था, कोई और जगह पढ़ाता था। ऑस्ट्रेलिया का खर्चा कहां से इनके पास है, क्योंकि ये पैसा आपके विकास का पैसा लूट करके जो विदेशी बैंकों में जमा था ना, वही पैसा इनको विदेशों में पढ़ाने के लिए मिल जाता था, अपने बच्चों को इसलिए विदेशों में पढ़ाते थे। और यहां गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, यहां का स्थानीय नागरिक अपने बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर होता था। जहां पे ये तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन जर्जर है और अव्यवस्था गंदगी सब रहती है। आप देख रहे होंगे मोदी जी ने 6 वर्षों के अंदर पूरी तस्वीर बदल के रखी, 6 वर्षों के अंदर ही हर नागरिक को आवास भी मिल रहा है, हर नागरिक को शौचालय दिया जा चुका है, विद्युत के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि भी दिया जा रहा है। विकास के कार्य द्रुत गति से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश तो वही, देश तो वही, केवल सरकार बदलने पर सोच बदल जाती है और वह सोच कैसे धरती पर दिखाई देती है, इसका उदाहरण इन सब कार्यों के माध्यम से हम लोग देख और समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा, एक सकारात्मक सोच हम सबके मन में आनी चाहिए। आज हम लोगों ने यहां पर डोहरिया कला के
शहीद स्मारक के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया है। आप सब गौरवशाली हैं, एक शहीद विधानसभा क्षेत्र में, शहीद स्थल जिस विधानसभा क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरिया के माध्यम से यहां के क्रांतिकारियों ने जो अलग जगाने का कार्य किया था, आज वह हम सबका आह्वान कर रहा है, निरंतर इस बात के लिए आह्वान कर रहा है कि देश के अंदर गुलामी इसलिए आई थी क्योंकि हम विभाजित थे। बेमान और भ्रष्ट नेतृत्व जब होता है देश गुलाम होता है, कमजोर होता है, पिछड़ू होता है, लेकिन देश के अंदर जब स्वाभिमानी और सख्त नेतृत्व होता है तो देश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इन क्रांतिकारियों की प्रेरणा और इनका बलिदान हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रेरणा जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, ये विकास की प्रक्रिया उसी के साथ जुड़ी हुई है और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ हम लोगों ने कुछ स्थानों पर मंदिरों के तालाब और उन स्थलों के सुंदरीकरण की कार्य योजना को ली है, शहीद स्मारक से जुड़े हुए कार्य योजनाओं को भी लिया है, अधिवक्ता चैम्बर्स के कार्यों को भी इसके साथ लिया है और मझगावां बांसगांव में एक इंटर कॉलेज के भी कार्य को पूरा करते हुए इसके लोकार्पण का कार्य भी आज यहां पर किया जा रहा है और साथ साथ शिलान्यास के क्रम में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास के साथ ही गीड़ा के पास एक नए थाने सुरक्षा की दृष्टि से एक नए थाने का भी शिलान्यास आज यहां पर किया जा रहा है। तमाम सड़कों के सुंदरीकरण के कार्य योजना को भी आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और मैं चाहूंगा कि जब विकास बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा हो, हम सबका दायित्व बनता है हम विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसे और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए, क्योंकि जहां विकास होगा तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार की बातें भी करेंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से एक ही बात का कहना है कि कार्य समयबद्ध ढंग से हो, कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए, हर हाल में किसी को भी कार्य के मानक के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दी जाए, लेकिन साथ साथ समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए। लेट नहीं होना चाहिए, ना उससे देरी नहीं करनी चाहिए। जहां हम इस कार्य को विकास के साथ जोड़ें, वहीं साथ ही साथ इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि विकास के मार्ग में हमारे स्तर पर, हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हर स्तर पर विकास की प्रक्रिया को सदा आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सहचनवा के अपने अधिवक्ताओं को, बांसगांव के अधिवक्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। सहचनवा विधानसभा क्षेत्र, खसनी विधानसभा क्षेत्र, बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं कि वे सभी विकास की प्रक्रिया के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने सांसद, अपने विधायकों को धन्यवाद दीजिए कि इनके कारण विकास आज आप तक पहुंच रहा है, इसका आनंद आप लोग सभी ले पा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विकास की इन परियोजनाओं को आपको देते मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी सहजनवा विधानसभा क्षेत्र, खजनी विधानसभा क्षेत्र और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ ये नौ वर्ष विकास की प्रक्रिया के साथ हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी मुकर में शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।